इस वीडियो में हम लोग पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी का समरी देखने वाले हैं, सारांश देखने वाले हैं। सो हे एवरीवन, अगर हम क्लास ट्वेल्थ की हिंदी 50 मार्क्स की बात करें तो हम लोग जो है मेनली इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों पार्ट है, तो ये तीनों पार्ट क्या क्या है, एक पहला जो है हमारे पास गद खंड आती है, और दूसरा जो है यहाँ पे पद खंड, और तीसरा जो है व्याकरण आती है। तो अगर गद खंड की बात करें तो इसमें जो है टोटल 5 चैप्टर आ जाती है, और पद खंड में टोटल 6 चैप्टर आती है, और हिंदी व्याकरण में बहुत सारे चैप्टर आते हैं। मतलब चैप्टर नहीं इसको बोल सकते हैं, एक टॉपिक बोल सकते हैं जिसको हम कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरा, ऐसे ही बहुत सारे आता है। तो वो सारे कुछ हम लोग हिंदी व्याकरण में कवर करेंगे, लेकिन अभी जो है हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं यहाँ पर गद खंड का। तो बारीकी से आराम से आप लोग वीडियो को देखिए, और इसमें जो है हम ऐसे ही आपके लिए सारे चैप्टर का वीडियो लाएंगे, गद खंड का 5 चैप्टर का, पद खंड का 6 चैप्टर का, और फिर हिंदी व्याकरण का भी। तो सारे वीडियो आराम से आते हुए चलेंगे, डेली वीडियो अपलोड होगी, तो आप लोग बस देखते हुए चलिए। यहाँ पे गद खंड का पहला चैप्टर की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर में हमारे पास यहाँ पे इतने सारे नोट्स बना हुआ है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बस ये हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को देखना होगा इसका जो समरी, अगर हम लोग देख लेते हैं पंच परमेश्वर का समरी, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं पंच परमेश्वर कहानी का सारांश। तो अभी जो है हम क्या करने वाले हैं, अपने लोग बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो हम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन अगर सारांश बोलेगी, समरी लिखने के लिए बोलेगी, तो वो उसमें क्या लिखा रहेगा, पंच परमेश्वर कहानी का सारांश लिखिए। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा जिसका मार्क्स दिया रहेगा 5 मार्क्स, तो इसके लिए आपको लिखना होगा, तो कम से कम आपको यहाँ पे 150 से 200 शब्द में आपको लिखना होगा। तो उसके लिए हम लोग उसके हिसाब से हम लोग समरी बनाया है। तो चलिए आराम से आप लोग समझते हुए चलिए, आराम से बारीकी से इधर देखते हुए चलिए। तो यहाँ पे पहला जो लाइन आती है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है हम लोग प्रेमचंद्र जी के बारे में लिखते हैं। तो प्रेमचंद्र जी के बारे में चलिए देखते हैं क्या है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम लाला धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम लाला धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। कहां पे हुआ था, 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी साहित्य रचना में कुल 300 कहानियां और 14 उपन्यास शुमार है। कितना कहानी है, 320 कहानी और 14 उपन्यास शुमार हैं। चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम लाला धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनकी साहित्य रचना में कुल 300 कहानियां और 14 उपन्यास शुमार हैं। यह कहानी जुम्मन शेख अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मौसी के बीच हुई मतभेदों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी जुम्मन शेख अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मौसी के बीच हुए मतभेदों के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब यहाँ पे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे, और यहाँ पे जुम्मन शेख की मौसी जो थे, आपस में जब मतभेद हुई थी उसके बीच में ही ये जो है कहानी बनाई गई है, उसी के अंतर्गत ये कहानी लिखी गई है। तो इसमें क्या है, जुम्मन ने अपनी मौसी को बहला फुसला कर उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। जो जुम्मन जो था उसकी अपनी मौसी से जो है बहला फुसला के अपने नाम पर वो उनका जमीन अपने नाम पर लिखवा लिया। फिर मौसी के प्रति उसका सारा आदर सत्कार धारा का धारा रह गया। फिर जो है मौसी का ना आदर करता था ना सत्कार करता था। और आगे क्या है, यहाँ पे मौसी इस मामले में पंचायत में ले गई। इस मामले को जो है मौसी पंचायत में ले गई, जहाँ पंच के रूप में मौसी ने अलगू चौधरी को चुना। जुम्मन और अलगू बचपन के पक्के मित्र थे। अब यहाँ पे जो है किसके खिलाफ, मौसी जो है अलगू चौधरी के, यहाँ जो है मौसी अलगू चौधरी को पंच चुना, और जो यहाँ जो पंच कौन था वो जो है अलगू चौधरी, और जुम्मन जो है ये दोस्त था। तो यहाँ पे होना क्या था, फिर भी अलगू ने जब सच का साथ दिया तो जुम्मन के विपक्ष में फैसला सुनाया गया। जबकि दोस्त था लेकिन वो पंच था, इसलिए वो जो है सही फैसला लिया। किसने, अलगू ने। चलिए फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे मौसी इस मामले को पंचायत में ले आती है, जहाँ पंच के रूप में मौसी ने अलगू को चुना। जुम्मन और अलगू बचपन के पक्के मित्र थे, फिर भी अलगू ने जब सच का साथ दिया तो जुम्मन के विपक्ष में फैसला सुनाया, तो जुम्मन उसका परम शत्रु बन गया। जब जुम्मन के अगेंस्ट, मतलब जुम्मन के विरुद्ध जब फैसला सुनाया किसने, अलगू चौधरी ने, तब जुम्मन जो है उसका परम शत्रु बन गया, उसका दुश्मन बन गया। कुछ दिन के पश्चात अलगू
के किसी मामले में जुम्मन फैसला सुनाया सुनाना था। मतलब यहाँ पे कुछ अब प्रॉब्लम हुई किसके साथ, अलगू चौधरी के साथ। तो अब जो है वहाँ पे पंचायत, मतलब यहाँ पे पंच कौन बना पंचायत में, तो वो बना जुम्मन, जुम्मन शेख। तो अब जो है जुम्मन ने न्याय का साथ देते हुए अलगू के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो मामला हुई थी उसमें जो है अलगू सही था। तो उस पर जो है क्या हुआ, पंच के कुर्सी पर बैठ करके जुम्मन गलत फैसला नहीं कर पाया और दोनों के हृदय का मैल उसके आंसुओं में धुल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब जुम्मन जो था, जब फैसला सुनाने की बारी आई तो जुम्मन जो है सही का साथ लिया, क्योंकि जो है पंच के कुर्सी पर जब वो बैठा तो उस समय वो गलत फैसला नहीं ले पाया, क्योंकि जो है पंच पे, वहाँ पे जो है पंच परमेश्वर का एक रूप होता है, वहाँ पे जो भी बैठता है वो सही का साथ देता है। तो उसी के कारण जो है जुम्मन गलत फैसला नहीं कर पाया। यह कहानी क्या है, यह कहानी प्रेमचंद्र की पहली कहानी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आ सकती है। और इसमें प्रेमचंद्र ने नारी सशक्तिकरण का उल्लेख अलख जगा सॉरी नारी सशक्तिकरण का अलख जगाने की सफल कोशिश की है। असल में पंच परमेश्वर ग्रामीण जीवन के छल प्रपंचों, दोस्ती भाईचारा, न्याय अन्याय के चक्रों को परिभाषित करती हुई एक सजीव कहानी है। ये जो है बस इतना ही सा छोटा सा एक कहानी था, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप आराम से बारीकी से आप पढ़ते हुए चलिए। आप आराम से पढ़ते हुए चलिए, फिर हम लोग अभी देखने वाले हैं, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग वो देखते हैं, और वीडियो को लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग जो है पंच परमेश्वर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास पहला पॉइंट है, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी प्रेमचंद्र की रचना है। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है, ये शीर्षक कहानी जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट क्या है, प्रेमचंद्र का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1880 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, ये जो है कहाँ हुआ था, वाराणसी के लम्ही गाँव में हुआ था। और अगला क्या है, प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जबकि वहाँ पे आपको समरी में बताए थे 320 कहानियाँ, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 300 के आसपास भी रहे तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। तो अगला क्या है, अलगू चौधरी के गुरु जुमराती शेख था। अलगू चौधरी का आप गुरु कौन था, जुमराती शेख, और जुमराती शेख जुम्मन के पिता थे। ये जो जुमराती शेख जो था अलगू चौधरी का गुरु, वो जो है जुम्मन का पिता था। अगला क्या है, अलगू चौधरी ने अपनी बैल समझू साहू को बेचा। अलगू चौधरी ने अपनी बैल समझू साहू को बेचा। इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे जरूर बनेगी, तो आप लोग ये पॉइंट को याद रखें। क्या है, जुम्मन की पत्नी का नाम कटीमन था। जुम्मन के पत्नी का नाम कटीमन था। अगला क्या है, पंच में परमेश्वर का वास होता है। धनपत राय प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था। धनपत राय प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था, और उनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, धनपत राय। अगला क्या है, प्रेमचंद्र का उपन्यास है क्या क्या, गबन है, गोदान है, रंगभूमि है, और भी है, लेकिन आप ये तीनों याद रख लीजिए। आगे क्या है, प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है, कलम का जादूगर नहीं, कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद्र जी को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में, तो ये आप ज़रूर याद रख लीजिए। आगे क्या है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आती है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी है। आप लोग जल्दी से नीचे जवाब दीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है। चलिए दो नंबर क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं क्या है, प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है, पंच परमेश्वर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। और फिर कहाँ हुआ था, यहाँ क्या है नीचे, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो लम्ही में हुआ था, वाराणसी के लम्ही गांव में। आगे क्या है, पांच नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद्र ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी। अब यहाँ पे क्या बोले थे, 300 के आसपास जो भी लिखा रहे उसमें आप टिक लगा सकते हैं। तो 300 यहाँ पे लिखा हुआ, अगर 320 भी अगर लिखा रहता तो वो भी आप टिक लगा सकते थे। तो अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे, छः नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो गबन जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास है, गोदान प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, रंगभूमि भी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, एक चित्रलेखा जो है प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। यहाँ पे सातवां और क्वेश्चन क्या है, अलगू चौधरी के गुरु कौन थे।
तो अलगू चौधरी के गुरु थे जुमराती शेख, जो कि जुम्मन के पिता थे। यहाँ पे क्या है, जुम्मन के पिता कौन थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जुमराती शेख। जुमराती शेख जो थे जुम्मन के पिता थे। आगे क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम धनपत राय था, लाला धनपत राय। आगे क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन ये है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, जुमराती शेख के बेटे का नाम क्या है। तो जुमराती शेख के बेटे का नाम हो जाएगा जुम्मन, और जुम्मन के पिता का नाम जुमराती शेख। तो वही उल्टा किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर की जय यह कथन किस पाठ में है। ये जो है पंच परमेश्वर शीर्षक में है, पंच परमेश्वर। अब देखिए, पंच परमेश्वर अगर लाइन में आई तो जाहिर सी बात है वो पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी से ही होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, पंच में किसका वास होता है। तो पंच में परमेश्वर का वास होता है, क्योंकि जो कोई भी अगर पंच के पद पर बैठता है तो वो जो है गलत फैसला नहीं ले पाता है, क्योंकि उसमें जो है परमेश्वर का वास होता है। आगे क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था। तो जुम्मन का पत्नी का नाम कटीमन था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, अलगू चौधरी ने बैल किसे बेचा था। तो अलगू चौधरी ने बैल समझू साहू को बेचा था। अगला क्या है, जुम्मन की खाला ने किसे पंच बनाया था। तो जुम्मन के खाला ने अलगू चौधरी को पंच बनाया था। किसको, अलगू चौधरी को। जुम्मन की खाला ने अलगू चौधरी को पंच बनाया था। आगे जो है वीडियो आएंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अगला चैप्टर आएगी किस पे, गौरा का सारा कुछ एकदम समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।